हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी राखी का वो स्पेशल दिन, साथ ही वो स्पेशल लंच जो मैंने सबके लिए प्रिपेयर किया था, जिनमें से कुछ चीज़ें मैंने एक रात पहले ही प्रिपेयर कर ली थी ताकि अगले दिन के लिए मेरा बर्डन कम हो जाए। तो क्या थी वो सारी रेसिपीज़ और क्या किया हमने उस पूरे दिन, देखते रहें इस व्लॉग में। जो चीज़ें मैंने रात को रेडी करके रखी थी उनमें से दो तरह की स्वीट्स थी। एक थी नारियल के लड्डू जो कि बहुत ही इजी वे में बनाए जाते हैं। कंडेंस्ड मिल्क लिया है मैंने एक कप के अराउंड और साथ ही इसमें डाला है ग्रीन कलर। और अब इसमें ऐड करूंगी दो कप के करीब कोकोनट पाउडर। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ऐसा कोई भी दिन हो, बाहर से स्वीट्स तो लाई ही जाती हैं लेकिन घर की बनी हुई स्वीट्स का मुकाबला वो नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि आपने उसमें क्या क्या ऐड किया है। थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर। अब अपने हाथों पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगाऊंगी ताकि मेरे हाथों पे ये लड्डू बनाते वक्त चिपके नहीं। आप चाहें तो इसमें कोकोनट पाउडर और ऐड कर सकते हैं अगर लड्डू बनाते वक्त ये आपको थोड़ा स्टिकी लगे। इसमें फिलिंग करेंगे गुलकंद की, जो बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाता है। थोड़ा सा इसके ऊपर रखेंगे जैसे हम परांठे की फिलिंग करते हैं और इसको चारों साइड से अच्छे से बंद कर देंगे और इसका लड्डू बना लेंगे। और अब इन्हें लपेट लेंगे नारियल पाउडर में, तो लड्डू रेडी है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इंस्टेंट बनने वाले बहुत ही टेस्टी लड्डू हैं। हमेशा चॉकलेट्स को ही इम्पोर्टेंस देने वाले बच्चों को भी ये लड्डू बहुत पसंद आए, क्योंकि कंडेंस्ड मिल्क और नारियल पाउडर के साथ साथ इसमें जब हम बाइट करते हैं तो गुलकंद का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। डेकोरेट कर सकते हैं आप अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट के साथ। यहाँ मैं बादाम के साथ डेकोरेट कर रही हूँ। नेक्स्ट रेसिपी है ओरियो लड्डू। बनाना बहुत ही इजी है, सिर्फ आपको ओरियो चाहिए और कंडेंस्ड मिल्क। ओरियो बिस्किट के पैकेट जितने भी आप क्वांटिटी में बनाना चाहें ले सकते हैं। अब इनको अच्छे से क्रश कर लेंगे हम। तो देखिए इस तरह का पाउडर हमारे सामने आ जाएगा। तो उसके बाद इसमें मिक्स करेंगे हम कंडेंस्ड मिल्क। बस इसमें कुछ भी खास नहीं करना है, इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स करना है और हाथों पे ऑयल लगा के उसके बाद इसके लड्डू बना लेंगे। अगर आपको बैटर ड्राई लगे तो आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क और ऐड कर सकते हैं, जिससे कि लड्डू और भी ज़्यादा ईजीली बन जाएंगे। सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली रेसिपी दही वड़ा, जिसे मैंने रात को ही रेडी कर लिया था। धुली हुई उड़द की दाल चाहिए इसके लिए। अगर आप दिन में बनाने वाले हैं तो रात को सोक कर लें, अगर रात को बनाने वाले हैं तो दिन में इसे सोक करके रख लें और उसके बाद इसको ग्राइंड कर लें। और वड़ाज बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको फेंटना। 10 मिनट तक आपको इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटना पड़ेगा ताकि इसमें हवा फिल हो जाए और आपके वड़ाज बहुत ही स्पॉन्जी बने। ग्राइंड करने के बाद ही मैं इसमें सॉल्ट और बाकी मसाला ऐड कर लेती हूँ। दही वड़ाज की पूरी रेसिपी आपको मेरी नॉर्थ इंडियन थाली वाली वीडियो में मिलेगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इंडियन कुकिंग में अनियन और जिंजर गार्लिक हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो उसको मैं रेडी करके रख रही हूँ। जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के रख लूँगी और अनियंस को पील करके रख लूँगी और सुबह इनकी चॉपिंग करूँगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुबह के 5 बजे, दिन की शुरुआत पॉजिटिवली हो उसके लिए सुबह उठते ही फ़ोन को देखने की बजाय नेचर से कनेक्ट हो जाएं, सनराइज़ देखें, बर्ड्स को देखें, बर्ड्स का चहचहाना सुने, बहुत अच्छी फीलिंग देता है ये। किचन में आते ही सबसे पहले डो रेडी कर रही हूँ। पूरियाँ बनानी है मुझे, तो उसके लिए 2 कटोरी मैंने लिया है गेहूं का आटा और 1 कटोरी सूजी।
आज मेरा इरादा था कि मैं पालक की पूरी बनाऊंगी, लेकिन पालक मुझे कल पूरी मार्केट में कहीं नहीं मिली। लेकिन थोड़ा सा ग्रीन टच देने के लिए मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड कर रही हूँ, साथ ही इसमें मैंने डाला है ऑयल, नमक और अजवाइन। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे। जब भी आप इस तरह से कोई स्पेशल लंच या डिनर रेडी कर रहे हों और आपको उसमें पूरी बनानी हो, तो कोई भी काम शुरू करने से पहले आप डो रेडी कर लें, क्योंकि जितना पहले आपने डो रेडी करके रखा होगा उतनी ही आपकी पूरी अच्छी बनेगी। 4 से 5 मिनट के लिए इसको कवर करके रखें। मैं आज बिजी हूँ तो स्टफी को मॉर्निंग वॉक पे लेके जाने की ड्यूटी आज उदय की थी। 5 मिनट के बाद एक बार फिर से इसको अच्छे से गूंद लेंगे, थोड़ा सा ऑयल इस पे लगाएंगे और साइड रख देंगे। अगेन आई हैव सेम पार्टनर हेल्पिंग इन द किचन। मम्मा के भाई यहाँ लोकल ही रहते हैं, इसलिए वो राखी बांधने के लिए एक दिन पहले ही उनके पास चले जाते हैं, और इसीलिए मेरे व्लॉग में आज वो आपको लेट नज़र आएंगे। जो अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट मैंने रात को ही रेडी करके रखा था, उसे निकाल रही हूँ ताकि मैं कुकिंग स्टार्ट करूँ। एक वेज और एक नॉन वेज डिश बनाऊँगी। वेज में बना रही हूँ मैं आज नवरत्न कोरमा, और नॉन वेज में बनाऊँगी कढ़ाई चिकन। नवरत्न कोरमा के लिए मैं अनियन को स्लाइसिस में ही काट रही हूँ, क्योंकि मुझे इनको बॉईल करना है और उसके बाद इसको ग्राइंड करना है। कोई भी ऐसी रेसिपीज़ जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती हैं उन्हें हम डेली तो नहीं बनाते हैं, लेकिन स्पेशल डे को स्पेशल बनाने के लिए बाहर से खाना ऑर्डर करने की बजाय अपनी फैमिली को प्यार और अपने कुकिंग स्किल दिखाना तो बनता है। अब एक पैन में मैंने थोड़ा सा पानी बॉईल करने के लिए रखा है, और उसमें डाल दिए हैं अनियन जो मैंने कट किए हैं, और साथ ही कुछ कैश्यूज़ यानी कि काजू। 3 से 4 मिनट हम इसको बॉईल होने देंगे, तब तक हम काट लेते हैं अपनी वेजेस। नवरत्न कोरमा को नवरत्न कोरमा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 9 आइटम्स डलती हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ आलू, मटर, गोभी, गाजर और बीन्स। साथ ही इसमें ऐड कर रही हूँ मैं मशरूम, पनीर, काजू और किशमिश। काजू को मैंने प्याज के साथ बॉयल होने के लिए रख दिया है। पनीर, मशरूम और किशमिश को अभी छोड़ देंगे, और बाकी के वेजिटेबल्स को हम बॉयल कर लेंगे। यहाँ पे अनियंस भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं, तो गैस को बंद कर रही हूँ मैं, और इसको रख दूँगी मैं ठंडा होने के लिए फ़ैन के नीचे। और ऑलमोस्ट सारी वेजिटेबल्स को मैंने यहाँ पे कट कर लिया है, और एक ही बर्तन में डाल के थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे, पानी ऐड करेंगे, और 4 से 5 मिनट तक इसको बॉयल होने देंगे। उदय हेल्प के लिए पूछ रहा था, तो मैंने उसे पनीर दिया काटने के लिए, मशरूम दिए काटने के लिए। छोटी छोटी हेल्प भी कई बार बहुत बड़ी हेल्प बन जाती है, स्पेशली जब काम का बर्डन ज़्यादा हो। और स्टफी बहुत ही इनोसेंट सा बन के यहाँ पे चॉपिंग होते हुए देख रहा था। ख्याल रहे कि वेजिटेबल्स को हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनको पानी में नहीं पकाना है, हमें उसे ग्रेवी में पकाना है ताकि ग्रेवी इसमें अब्सॉर्ब हो सके। इन केस आपके वेजिटेबल्स ज़्यादा देर तक बॉयल हो गई हैं, तो आप इनको चिल्ड वाटर में निकाल लें, इससे इनका कुकिंग प्रोसेस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। अब एक पैन में 2 चम्मच के करीब मैंने ऑयल डाला है, और साथ ही उसमें डाल दिए हैं पनीर के कुछ पीसेस, और साथ ही किशमिश यानी कि रेसिन्स। तो इसको आपने सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बट जस्ट इसको 1 से 1.5 मिनट तक हमने चलाना है और निकाल लेना है। उसके बाद उसी पैन में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, साथ ही तेज पत्ता, बड़ी इलायची, दालचीनी, 2 लौंग डाल रही हूँ मैं, और साथ ही इसमें ऐड किए हैं मैंने ब्लैक पेपर के सीड्स यानी कि काली मिर्च के दाने। और उसके बाद इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज और काजू जो हमने बॉयल किए थे, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो उसका पेस्ट भी रेडी है, तो वो मैंने ऐड किया है। थोड़ा सा इसको भून लेने के बाद इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, नमक डाल देंगे अपने स्वाद के अनुसार, और जो वेजिटेबल्स हमने बॉयल करके रखी हैं उनको भी इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे।
इसके बाद इसमें एक कप के अराउंड पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके कवर कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको हम 8 से 10 मिनट तक पकने देंगे। और दूसरी तरफ बना रही हूँ मैं कढ़ाई चिकन। कढ़ाई में मैंने तेल लिया है और साथ ही उसमें डाला है तेज़पत्ता, जीरा, दालचीनी और साथ ही अनियंस डाल दिए हैं जो कटिंग किए हुए हैं, बारीक काटे थोड़े से। अनियन रोस्ट हो रहे हैं और कुलदीप जी आ गए हैं दीदी को लेके, उनकी बड़ी सिस्टर हैं वो। और हमेशा की तरह हर गेस्ट का वेलकम सबसे पहले स्टफ़ी को करना है। मैं भी दीदी से मिलके वापस आई तो तब तक मेरे अनियन ब्राउन हो चुके थे। और अब मैंने इसमें डाला है जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर और साथ ही ऐड कर दिए हैं टमाटोज़। वेजीज को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दिए हैं मशरूम, 2 से 3 मिनट तक हम इसको और पकाएंगे। इधर टमाटर अच्छे से गल जाएं यानी कि ऑयल छोड़ दें, उसके बाद इसमें डालेंगे हम जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। और उसके बाद ऐड कर देंगे इसमें चिकन और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। साथ ही चेक कर लेते हैं नवरत्न कोरमा। अब बारी आती है इसमें पनीर और किशमिश ऐड करने की। जब आपको लगे कि वेजिटेबल्स अच्छे से पक गई हैं तो लास्ट में हम इसमें ऐड कर देंगे फ्रेश क्रीम। इससे इसका फ्लेवर और भी इन्हांस होता है। तो बस लास्ट में हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ धनिया और बस नवरत्न कोरमा हमारा रेडी है। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत बहुत यम्मी बना था। ख़त्म हो गई थी सब्जी लेकिन नेक्स्ट डे फिर से सब पूछ रहे थे कि क्या कुछ बचा है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। तो 10 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पे चिकन को पकते हुए। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड करने के बाद इसको तब तक पकाना है जब तक इसका पानी बहुत थोड़ा सा रह जाए यानी कि ग्रेवी की फॉर्म में आ जाए। और चिकन को उतारने से जस्ट 2 मिनट पहले हम इसमें बड़े बड़े पीसेज में कटे हुए अनियन और कैप्सिकम ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट और पकने देंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला, थोड़ा नींबू का जूस और गार्निश करेंगे विद धनिया पत्ता। चिकन तो ऑलमोस्ट रेडी है, अब फटाफट सैलड रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिए हैं कुकम्बर, टोमेटोज़ एंड अनियंस। आप चाहें तो इसमें कैबेज ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं। तो बारीक बारीक पीसेस में हम इनको कट कर लेंगे। वैसे तो इस सैलड को कहते हैं रशियन सैलड लेकिन हम लोग इसे कहते हैं कचूमर सैलड क्योंकि सारी वेजेस को हम बहुत ही बारीक बारीक काट लेते हैं। उसके बाद इसमें ऐड करते हैं ब्लैक सॉल्ट, जीरा पाउडर और उसमें डालेंगे हम लेमन जूस, धनिया पत्ता और बस इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और हमारा सैलड भी रेडी है। और चलिए अब चिकन को निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी और जी हाँ, खाने में तो लाजवाब था ही। एंड अगेन गेस्ट का वेलकम करने के लिए होस्ट मिस्टर स्टफ़ी सबसे आगे। तो जो लोग पहले से मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि विशाल है और तनु है। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे उनको बता दूं कि मेरे सिस्टर इन लॉ के बच्चे हैं। रक्षाबंधन इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लव, इमोशंस एंड प्योरिटी। भाई बहन के बीच में बहुत ही प्यारा फेस्टिवल है। मैं भी अपने भाइयों को बहुत मिस करती हूँ बट क्योंकि थोड़ा दूर हैं वो तो स्पेशली रक्षाबंधन के लिए नहीं जाया जाता है। बट आई मिस देम एंड लव देम अ लॉट।
मेरा ऑलमोस्ट सारा काम ख़त्म हो चुका था और जब तक सब लोग राखी बांध रहे थे, बंधवा रहे थे, तब तक मैं चली गई थी अपना शार लेने। और उसके बाद अब मैं वापस आई हूँ किचन में, पूरियाँ बनाऊँगी और सबको खाना सर्व करूँगी। सबसे पहला काम था हमारा डो रेडी करना और सबसे लास्ट काम है पूरियाँ तलना। तो बहुत ही अच्छी पूरियाँ बनती हैं अगर इतना टाइम पहले हमने आटा रेडी करके रखा हो। पूरी तलने के लिए आपके पास बर्तन बड़ा होना चाहिए और तेल गर्म होना चाहिए, तभी आपकी पूरी फूली हुई बनती है। और इस टाइम पे मेरे हस्बैंड टेबल लगा रहे हैं और मैं पूरियाँ तल रही हूँ, सबको खाने के लिए आवाज़ लगा दी गई है। दीदी जब भी आते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं उनके साथ करने के लिए। वो काफ़ी टाइम के बाद गांव से आते हैं, बच्चे ही उनके यहीं पे सेटल हैं। विशाल जॉब करता है, तनु नर्सिंग कर रही है। और जब भी वो बच्चों के पास रहने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ पे आते हैं तो हमें भी उनसे मिलने का मौका मिलता है। कुलदीप जी की एक ही सिस्टर हैं और वो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मेरे लिए ये बहुत गर्व की बात है। खाना वाना सेलिब्रेशन सब हो चुका था तो बैठे बैठे बोर हो रहे थे तो सोचा चलिए मूवी देखने चलते हैं। हम 5 लोगों ने प्लान बनाया, बाकी सबके अपने अपने प्रोग्राम्स ऑलरेडी सेटल थे। तनु और जैस्मिन के एग्ज़ाम्स शुरू होने वाले थे तो इसलिए वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो हमने उनको वहीं छोड़ा और हम लोग निकल पड़े। और यहाँ कुलदीप जी की मुझे मनाने की कोशिश, क्योंकि हर वाइफ की तरह मुझे भी अपने हस्बैंड का हॉलीडे पे बिजनेस कॉल्स को अटेंड करते रहना पसंद नहीं। प्यार भरे रिश्ते में छोटी मोटी नोक झोंक रिश्ते को स्ट्रेंथ देती है और दोनों को एक दूसरे की वैल्यू का एहसास करवाती है। मूवी शुरू होने में अभी 20 मिनट बाकी थे, तब तक सोचा कि थोड़ा घूम लिया जाए, चीज़ों को एक्सप्लोर कर लिया जाए। शाम के 6:30 हो चुके थे, बहुत थक चुके थे और मैं तो बहुत थक चुकी थी। सुबह की उठी हुई थी और आज नैप भी नहीं लिया था। अब घर जाके डिनर नहीं बनाऊंगी ये पहले ही सोच लिया था, तो सबको बोला जो खाना है यहीं पे खा लो, डिनर हो जाएगा और बाकी जो लोग घर पे हैं उनके लिए खाना ऑलरेडी बचा हुआ है। हम सब ने सांभर डोसा खाया और उदी ने खाया मंचूरियन। बस डिनर करके हम लोग घर चले गए। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।